फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एलईडी एलसीडी टीवी टेक्नीशियन। दिस इज सनी, आपका होस्ट एंड दोस्त इस वीडियो के लिए। एंड इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो में मैंने एक मदरबोर्ड लिया था HK.T.RT2968.P61। ये मैंने मदरबोर्ड लाजपत राय के किसी शॉप से लिया था, दिल्ली के लाजपत राय मार्केट से। एंड सामने वाले ने मेरे को मदरबोर्ड प्लस सॉफ्टवेयर दोनों दिए थे, बाकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस नहीं बताया था। एंड तो मैंने ये किया तो सॉफ्टवेयर उस टाइम पे हुआ नहीं था, तो आज मैंने इसका ट्रिक निकाल लिया कि इसको सॉफ्टवेयर कैसे करते हैं। ये जब मैंने लाया था, हायर का रिमोट प्लस हायर का लोगो सामने आ रहा था, जैसे आप यूनिवर्सल रिमोट देख सकते हैं, मैं हायर सेट करके और यूज करूंगा। एंड ये चाइनीज लैंग्वेज में है, ठीक है। मैं इसको थ्री पार्ट्स में वीडियो बनेगा। फर्स्ट पार्ट ये रहेगा कि इसका लैंग्वेज चेंज, क्योंकि ये चाइनीज लैंग्वेज में है, तो फर्स्ट ऑप्शन ये रहेगा कि फर्स्ट पार्ट ये रहेगा कि इसका हमने लैंग्वेज चेंज किया। सेकंड पार्ट ये रहेगा कि इसका हमने मैनुअल अपडेशन किया। थर्ड पार्ट ये रहेगा कि ऑटोमेटिक अपडेट, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप एक ही वीडियो में बहुत कुछ बताने की कोशिश किया है, प्लीज ज्यादा से पूरा का पूरा वीडियो देखें तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, जैसे मैंने मेन्यू दबाया तो देखिए चाइनीज लैंग्वेज में पिक्चर आई है, चाइनीज लैंग्वेज में मेन्यू आया है। एंड मैं सेटिंग में गया, सेटिंग में ऑप्शन में मैंने गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेटर में जाके मैंने ये लैंग्वेज का ऑप्शन देखा, वहां पे जाके मैं इसको चाइनीज टू इंग्लिश करूंगा, ठीक है। ये मैंने इंग्लिश कर दिया, देखिए नीचे ऑप्शन है इंग्लिश, इसको क्लिक किया। सॉरी, ये पिक्चर अपसाइड डाउन है क्योंकि इसमें जो पहले सॉफ्टवेयर डाला हुआ है वो मिरर वाला सॉफ्टवेयर डाला हुआ है। एंड मैं आपको सीधा पिक्चर करके बता दूंगा। अब मैंने इसको इंग्लिश कर दिया, तो मैंने अभी बोर्ड को रिस्टार्ट कर रहा हूं, ये रिस्टार्ट हो रहा है, चालू हो रहा है, हायर फिर भी आया। देखिए बोर्ड का नंबर HK.T.RT2968.P61। स्टार्टअप लेने में थोड़ा टाइम लेता है, नो सिग्नल आ गया। पहले ये कुछ चाइनीज लैंग्वेज में आ रहा था, नो सिग्नल लिखा था पर चाइनीज लैंग्वेज में था, अभी AV1 एंड नो सिग्नल दोनों चीज आ गई हैं। एंड ये अभी इंग्लिश में हो चुका है, ठीक है। ये आपको मैंने बताया कि देखिए सब पूरा मेन्यू, पिक्चर, ब्राइटनेस, कलर, कॉन्ट्रास्ट, ये सब इंग्लिश में हो चुका है। ये हुआ मेरा फर्स्ट पार्ट। ये देखिए लैंग्वेज में क्या था, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर। अभी ये पेनड्राइव के अंदर सॉफ्टवेयर है इसका, इस 2968 के बोर्ड में इमेज फाइल डालती है install.img। एंड ये देखिए install.img मैंने पेनड्राइव में डाल दिया है, और ये पेनड्राइव मैंने इसके USB स्लॉट में इंसर्ट कर दिया, ठीक है। टीवी चालू ही है, बोर्ड चालू है, और मैं इसको बंद नहीं कर रहा हूं। अभी मैंने इसका होम पेज में गया हूं, होम पेज में जाने के बाद मैं इसमें सेटिंग में जाऊंगा फिर से। ये देखिए ये अपडेट का ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है। इसको कहते हैं मैनुअल अपडेशन, मींस जब ये डायरेक्टली नहीं लेता है तो हम इसको मैनुअली अपडेट कर सकते हैं, अगर ये ऑप्शन है तो। मैंने इस पेनड्राइव के अंदर एक फाइल डाली है install.img फाइल। ये देखिए अपडेटिंग चालू हो गया, इंस्टॉलिंग चालू हो गया। इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट लेगा अपडेट करने के लिए। टीवी बंद हो गया, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चालू है क्योंकि प्रोसेस में बहुत टाइम लगा था। मैंने इसको आधे करने के लिए मैंने आपको जल्दी से जल्दी वीडियो बने एंड शॉर्ट में ज्यादा से ज्यादा बता पाऊं आपको, मैं इस हिसाब से बता रहा हूँ। देखिए इंस्टॉल्ड बूट लोडर देन लिनक्स, एक एक चीज इंस्टॉल हो रही है। ये हो रहा है ऑफलाइन, सॉरी मैनुअल अपडेट। मैंने इसको मैनुअली अपडेट किया क्योंकि पेनड्राइव में सॉफ्टवेयर डालने के बाद उसने नहीं लिया। ये हमारा सेकंड पार्ट चालू है मैनुअल अपडेशन का। पहले इसका हायर का रिमोट एंड हायर का लोगो चल रहा था, और अभी फाइल डालने के बाद देखते हैं अभी क्या होता है।
इंस्टॉल फैक्ट्री। ये देखिए ये रिमोट है, इसमें ऑल सभी के सभी रिमोट मेन जो रहते हैं सब काम करते हैं। एंड इस रिमोट से आप जो भी आपको काम करना है, जो भी टीवी का रिमोट काम करना है सब हो जाता है। सोनी सैमसंग एलजी वगैरह सभी रिमोट काम करते हैं इसमें। ये अच्छा हुआ है, मार्केट में बहुत सारे रिमोट्स आए हैं जिससे मतलब आप यूनिवर्सली आप जस्ट कोड दबा के या दबा के रखिए और 10-15 मिनट में सेट हो जाते हैं। सेट का बटन दबा के रखना पड़ता है, अपने आप टीवी के बोर्ड के ऊपर वॉल्यूम प्लस बटन आ जाता है तो काम करने लगता है। ये मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर भी, अभी फिलहाल इसके ऊपर ध्यान दे दे। ये देखिए सिस्टम स्टार्टअप हो रहा है, अभी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड पे चालू है और जो मैं आप मेरे को देख रहे ये स्लो फॉरवर्ड पे है। स्लो मीन्स जो चलता है वैसे चल रहा है। देखिए स्टार्टअप हो गया, सॉरी स्टार्ट बोर्ड हो गया, सॉफ्टवेयर ले लिया उसने एंड देखिए अभी रिमोट काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इसमें अभी काम करेगा V59 का रिमोट वाला रिमोट काम करेगा, V59 V56 का रिमोट काम। ये देखिए हायर का रिमोट अभी काम नहीं कर रहा है इसके ऊपर। मैं V59 का रिमोट काम करवा रहा हूं, देखिए नेक्स्ट होने लगा। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है एंड सॉफ्टवेयर के जो है बहुत ही अच्छा है, पर इसका सॉफ्टवेयर ना होने के कारण ये बोर्ड चला नहीं। मेरे पास भी बहुत टाइम से पड़ा था तो जो जब ये मेरे वीडियो बना रहा था ये फर्स्ट अपडेट तब हुआ है, ये मैं करके वीडियो फिर नहीं बनाया। मैं ये प्रोसेस कर ही रहा था एंड ये फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन हुआ है इस बोर्ड के ऊपर। ये V59 का रिमोट है और ये इसके साथ रिमोट आया था जब मैंने न्यू मार्केट से लिया था बोर्ड, तो इस टाइम पे ये देखिए मेन्यू भी, ये मैंने सर्विस मोड खोला है, मेन्यू 1147 से खोला एंड इसमें मैं मिरर ऑप्शन और बिट सेटिंग मींस मैपिंग ये दोनों सर्च करूंगा एंड देखते हैं इसमें मिरर ऑप्शन है कि नहीं है एंड बिट सेटिंग में आपका मैपिंग होता है कि नहीं होता। जेडा वैसा, देखिए जेडा वैसा है इसमें, 6-bit 8-bit है इसमें एंड मिरर मुझे दिखा नहीं इसमें, मींस ये पिक्चर अपसाइड डाउन नहीं होगा जब तक आप दूसरा सॉफ्टवेयर नहीं चलाते हैं। शॉपकीपर ने मुझे दो सॉफ्टवेयर दिए थे, देखिए आप देख सकते हैं कि HD 8-bit एंड P61 रिवर्स पिक्चर। अभी मैं रिवर्स वाला सॉफ्टवेयर डालूंगा, कॉपी करके अपने इसमें डालूंगा। ये देखिए इंस्टॉल डॉट इमेज फाइल, अब ये कॉपी होगा फाइल यहाँ पे, सॉरी देखिए कॉपी हो रहा है फाइल एंड ये वीडियो बिल्कुल अनकट है, जैसा जैसा प्रोसेस हो रहा है वैसा वैसा रिकॉर्डिंग हो रहा है और मैं एडिटिंग के बाद अपने ऊपर उसमें चेहरा लगाया। ठीक है, अभी मैंने बोर्ड को बंद कर, मैंने बोर्ड बंद कर दिया एंड पेन ड्राइव लगा दिया। पेन ड्राइव लगा के मैंने बटन ऑन किया, स्विच ऑन किया और ये सॉफ्टवेयर लेना स्टार्ट, इसको कहते हैं ऑटोमेटिक अपडेटिंग। मैंने पेन ड्राइव लगाया USB स्लॉट में एंड सप्लाई दे दिया और ये ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर लिया और इसने सॉफ्टवेयर अपडेटिंग चालू हो गया एंड इसको कहते हैं ऑटोमेटिक अपडेटिंग। फर्स्ट नहीं हुआ था क्योंकि पहले इसमें चाइनीज सॉफ्टवेयर डाला हुआ था एंड उस टाइम पे अपडेट नहीं हुआ था एंड अभी ये हम इसको इंडियन सॉफ्टवेयर कहेंगे एंड अभी इंडियन सॉफ्टवेयर उसने ले लिया तो ऑटोमेटिकली जो उसके बाद दूसरा सॉफ्टवेयर हम डाल रहे हैं रिवर्स पिक्चर वाला तो अभी ले रहा है। रिवर्स पिक्चर में सिर्फ रिवर्स का फाइल नहीं डालेंगे, कंप्लीट फाइल अपडेटिंग जैसा हमने प्रोसेस पहले किया मैनुअल अपडेटिंग में, अभी हम वो सेम प्रोसेस कर रहे हैं ऑटोमेटिक अपडेट करके। ऑटोमेटिक अपडेट इसके लिए लिया क्योंकि ये आपका पहले हमने सॉफ्टवेयर चेंज किया है इसका, पहले नहीं लिया था, पहले ट्रैक प्रोटेक्शन में था। देखिए अभी पिक्चर फास्ट फॉरवर्ड पे चालू है,
सिस्टम स्टार्टअप, सेम प्रोसेस जो हमने मैनुअली किया था अभी ऑटोमेटिकली हो रही है। एंड इस वीडियो के बारे में जिसको भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड नीचे कमेंट्स में लिखिए। एंड वीडियो को बहुत लंबा था, 19 मिनट का वीडियो था, तो मैं इसको काट के 11-12 मिनट तक लेके आया हूँ। क्यों? क्योंकि मतलब बहुत कुछ दिखाना चाहता हूँ कम टाइम में, ठीक है। और क्लियरली मैं सब देखिए, पिक्चर अभी सीधा हो चुका है, आपसे बात करते करते मैंने ध्यान ही नहीं दिया, पिक्चर सीधा हो चुका है एंड अपसाइड डाउन। इस बोर्ड के अंदर मिरर ऑप्शन नहीं है, मिरर ऑप्शन के लिए आपको इसके अंदर फाइल चेंज करनी पड़ेगी, रिवर्स वाली फाइल डालनी पड़ेगी, तब जाके पिक्चर रिवर्स मीन्स अपसाइड डाउन मीन्स मिरर होगा। ओके फ्रेंड्स, होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो भी लाइक कीजिए। एंड बहुत सारे और वीडियो आने वाले हैं एंड वेट कीजिए एंड न्यू वीडियोस आने वाले हैं। ये देखिए एप्लीकेशन में आपको बता दूं, इसके अंदर फेसबुक है, प्ले स्टोर है, स्क्रीन मिररिंग है, ट्विटर है, यूट्यूब है, सभी के सभी एप्लीकेशन इसमें प्री इंस्टॉल्ड है, आप चाहें तो दूसरे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज मैं आपके लाइक कमेंट और शेयर के लिए वेट कर रहा हूँ, प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। गुड बाय।